मुख्य खबरों के बाद खबरें अब विस्तार से। मुख्य खबर के प्रायोजक हैं यूरो के इंटरनेशनल प्रीस्कूल स्कूल बड़ा बाजार पन्ना। देश इन दिनों बड़े खतरे से जूझ रहा है। इस मुश्किल समय में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए सरकारों के साथ हर आम और खास व्यक्ति की अपनी भूमिका है। इस जंग में हम और आप सब एक योद्धा हैं और अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर इस जंग को जीत रहे हैं। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 21 दिन के लॉकडाउन को सफल बनाने की अपील की है, ताकि कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने से रोका जा सके। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे में बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए इससे बचाव का एकमात्र रास्ता घर पर रहना है, ताकि संक्रमित लोगों के संपर्क से बचा जा सके। हम अपने सभी दर्शकों से यह अपील करते हैं कि 21 दिनों तक सभी अपने घर पर रहकर इस लॉकडाउन का पालन करें। घर में ही रहकर कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ सकते हैं। कृपया घर पर ही रहें। इस घातक बीमारी के चेन को खत्म करके ही हम भारत को, अपने समाज को, परिवार को बचा सकते हैं। जिला प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। इस मुश्किल घड़ी में आज वह ही हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम सलूट करते हैं उन डॉक्टर, हॉस्पिटल प्रबंधन को, जिला प्रशासन को, पुलिस कर्मी को, जो अपनी जान हथेली में रखकर हमारे जिले, हमारे समाज की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। हमें केवल कुछ दिनों के लिए अपने घरों पर ही रहना है, इसमें हमारे ही परिवार की भलाई है। कुछ लोग सोशल मीडिया में लिखते हैं कि पुलिस बर्बरता पूर्वक व्यवहार कर रही है, मगर कुछ लोग जिन्हें हम भी देख रहे हैं बिना किसी काम के घर से बाहर निकलकर घूम रहे हैं। अगर सख्ती नहीं बरती जाएगी तो ये करीबी सबब के लिए घातक होगी। कोरोना वायरस के लक्षण जैसे भी बुखार आए, सांस लेने में दिक्कत आए, तो तुरंत ही चिकित्सालय में पहुंचे और अपने आप को परिवार से अलग रखकर परिवार और भारत की रक्षा करें। सोशल मीडिया में शराब को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि शराब से वायरस को रोका जा सकता है, और सरकार द्वारा सभी जरूरी चीज़ों के साथ शराब के ठेके भी खुले हैं, तो लोग भी गुमराह होकर दवा की तरह शराब पी रहे हैं। बल्कि शराब से इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और कोरोना के मरीज को और भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। घर में अंदर क्यों रहना चाहिए? ये जो वायरस है वो चैन सिस्टम से फैलता है। कोरोना से पीड़ित व्यक्ति आपके पास छींकता खांसता है, आपके कड़े पर वायरस 9 घंटे तक जीवित रहता है, और स्टील लोहे में भी बहुत समय तक जीवित रहता है, कॉपर में 3 घंटे तक जीवित रहता है। इसलिए आप कोरोना संक्रमित मरीज से ना मिले, बगैर उसकी छुई हुए रेलिंग, बाइक, कार, कुर्सी के संपर्क में आने से आप संक्रमित हो सकते हैं। इस महामारी से निपटने के लिए एक दिन के बंद से निजात नहीं मिल पाएगी, और ऐसी स्थिति में जबकि नगर में लगे सीमावर्ती जिलों में संक्रमित बढ़ाया गया है, और क्या मतलब प्रतिबंध किया गया, कैसे इसको और कड़ाई से लागू किया जाएगा? देखिए, पहले जनता कर्फ्यू चल रहा था और 144 लगी थी, तो उसके तहत लोगों ने अपने संस्थान स्वयं से बंद किए थे, लेकिन अब और ग्रेविटी बढ़ाते हुए पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है और 27 तारीख तक ये कंटिन्यू रहेगा जिले में। इसका मतलब ये है कि जिले की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा, और सील कर दिया गया है इवन, और 14 हमारी टीमें जो हैं वो लोगों को आने से रोक रही है जो संदेहास्पद जगह से आ रहे हैं या प्रदेश के बाहर से आ रहे हैं।
पॉइंट नंबर टू, इसका मतलब ये भी है कि शहर में कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से भ्रमण नहीं कर सकता है। सभी जो संस्थान हैं, जो व्यापारिक संस्थान हैं, अत्यावश्यक वस्तुओं को छोड़कर वो अनिवार्यतः बंद रहेगी, और अत्यावश्यक वस्तुओं को लेने के लिए भी कोई परिवार का एक व्यक्ति निश्चित समय सीमा में केवल एक व्यक्ति केवल जो है आई कार्ड लेके ही वो आ सकता है। सर, ये चीज़ें आज से हम लोग लागू कर रहे हैं और ये जो 144 है ये और सख्ती के साथ अब लागू होगी। सर, असामाजिक तत्व तो जो मोटरसाइकिलों में निकलते हैं, इसके लिए क्या कड़ाई की जाएगी प्रशासन? बिल्कुल, अभी हम उसका करवा रहे हैं, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग घूम रहे हैं, और यदि अकारण यदि कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ है तो उसका तत्काल प्रभाव से जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया जाएगा। यदि उसके पश्चात भी नहीं मान रहे तो 144 में FIR दर्ज होगी। सर, OPD आज आपने निरीक्षण किया हॉस्पिटल का, क्या क्या किस बात का निरीक्षण किया है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित तैयारियां जो हैं वो हमारा स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, तो उस तैयारी पूरी अंतिम स्थिति में है, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। तो उन वार्ड्स में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या चीज़ें तैयारी कर ली गई है, उसको देखने के लिए, क्रॉस चेकिंग करने के लिए मैं आया था। अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है? बिल्कुल, अलग से आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं और सभी जनपदों में, सभी सब डिविज़न क्षेत्रों में क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए हैं। लगभग हमारे 350 सीट के क्वारंटाइन सेंटर्स हैं और लगभग 50 सीटर्स जो हैं हमारे आइसोलेशन वार्ड जो है हम डेवलप किए हैं। सर, 104 का भी आज उद्घाटन किया गया, क्या कैसी सर्विस चालू की गई है? जी, गवर्नमेंट ने जो है आज 104 और 181 का संयुक्त रूप से जो है एक एक्सरसाइज स्टार्ट की है, जिसको हमने अभी ई दक्षता केंद्र पे जो है उसका कॉल सेंटर स्थापित कर लिया है। और इसका तरीका ये रहेगा कि यदि व्यक्ति को कोई अपनी जानकारी देनी है या कोई शिकायत है जो कोरोना से रिलेटेड है तो 104 पे वो फोन लगा सकता है, 181 पे उसकी शिकायत जो है वो दर्ज हो जाएगी, जैसे कि CM हेल्पलाइन दर्ज होती है उसी टाइप से दर्ज होगी। हमने हमारे कॉल सेंटर में कंप्यूटर ऑपरेटर और काउंसलर्स को प्रशिक्षित करवा के वहाँ पर बिठा दिया है, वो लोग उन संबंधित व्यक्तियों से क्रॉस चेक करेंगे कि ये क्या वाकई सही जानकारी है। फिर हमारे जो वहाँ पर फील्ड स्टाफ है उनसे उनको घर भेजा जाएगा और घर भेज के उसकी जाँच की जाएगी कि वो व्यक्ति में सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने तकलीफ जैसे कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यदि ऐसे इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो फिर डॉक्टर्स की, विशेषज्ञों की टीम उनके घर जाएगी, उनको अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। और यदि वो ये समझती है कि नहीं ये ज्यादा ग्रेविटी वाला है तो फिर यहाँ CMHO से संपर्क करके उनको आइसोलेशन वार्ड में लाया जाएगा। सर, सर्दी जुकाम को लेकर भी लोग पैनिक हो रहे हैं जबकि मौसम इस प्रकार का चल रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर अभी जिले में एक भी संदेहास्पद केस भी नहीं है। बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं उन सब की लिस्टिंग हो चुकी है, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में टीम लगाकर हमने पिछले 3 दिनों में उनकी स्क्रीनिंग कराई है। लगभग 3,000 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग ग्राम पंचायतों में हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके माध्यम से हो गई है। किसी को भी ऐसे संदेहास्पद चीज़ में नहीं पाया गया है। कई लोगों को सर्दी खांसी नॉर्मल है, जिसको वहीं की ग्राम आरोग्य केंद्र में सर्दी खांसी की दवाइयाँ जो हैं वो उनको उपलब्ध करा दी है। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि यदि सर्दी खांसी फीवर जैसी चीज़ें हों भी सही तो आप अपने नियरेस्ट जो आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या BMO को फ़ोन लगा दीजिए, कोई स्वास्थ्य कर्मचारी वहां आकर आपके घर में आके चेक करेगा, आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। यदि किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को यदि सर्दी खांसी जैसे या फीवर जैसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि व्यक्ति अपने आप को आइसोलेटेड कर दे, अपने आप को कमरे में बंद कर ले और वो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आए, क्योंकि यदि वाकई उसको संक्रमण हुआ तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। तो सबसे पहली आवश्यकता है अपने आप को आइसोलेटेड करना या किसी व्यक्ति के संक्रमण में ना आना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अस्पताल की तरफ भागो, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अस्पताल और डॉक्टर आपके घर आएंगे। थैंक यू। हिंदू नववर्ष पर नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, साथ ही नववर्ष का आगाज भी हो रहा है। हमारी ओर से सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस बार मंदिरों में जाकर आराधना करना बेहद मुश्किल हो सकता है, इसलिए सभी घरों पर रहें और घर पर ही नवरात्रि मनाएं और पूजा अर्चना करें। इस विषम परिस्थितियों में सभी के लिए कामना करें ताकि जल्द ही इस महामारी से हम सबको निजात मिले। 21 तक लॉकडाउन से परेशान हुए लोग, PM नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद किराना दुकानों में लगी भीड़, लोग सामान इकट्ठा करने में जुटे। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने बरती सख्ती। कोरोना महामारी से बचाव के लिए संपूर्ण देश में PM मोदी के लॉकडाउन ऐलान के बाद पन्ना जिला भी पूरा लॉकडाउन किया गया। कोरोना से बचाव के लिए पन्ना कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर जिला अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड को चेक किया
और स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए कि किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध व सर्दी खांसी बुखार जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत होम आइसोलेशन कराया जाए और उस व्यक्ति की मॉनिटरिंग भी की जाए। साथ ही जिले की सभी सीमाएं सील की गई हैं। इस दौरान बाहर से आने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी को भी बाहर से आने व जाने की परमिशन नहीं होगी। जिला प्रशासन ने जिले वासियों को घर पर रहने की अपील की है और घर से निकलने व लॉकडाउन का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान रोजमर्रा की वस्तुओं हेतु किराना सब्जी मेडिकल की दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई। साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि दुकानों पर भीड़ एकजुट न होना चाहिए। लॉकडाउन का पालन न करने पर पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। अनावश्यक घर से बाहर घूमते पाए जाने पर पुलिस ने लोगों को हिदायत दी है कि उचित कार्यवाही की जाएगी, गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। इसलिए पुलिस अधीक्षक पन्ना ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आपके जीवन की रक्षा के लिए वो कोरोना से बचने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना जैसी भयानक महामारी की समस्या से पान पर बैठे सब्जी दुकानदारों से निवेदन है, रोज बेचने वालों से निवेदन है, ये उमड़ चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। परेशान ना करें लगे चलो जल्दी और बताओ आ रहा है 5 मिनट में। पन्ना विधायक ने आपदा प्रबंधन फंड के लिए मुख्यमंत्री को सौंपा चेक। जिस प्रकार से विश्व भर में कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा है, इससे भारत देश में आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इस समस्याओं को देखते हुए जनप्रतिनिधि भी शासन तथा सरकार के लिए सहयोग कर रहे हैं। पन्ना विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने आपदा प्रबंधन फंड के लिए अपना 1 माह के वेतन की चेक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम हर प्रकार से सरकार तथा शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे एवं क्षेत्र की जनता से कोरोना वायरस से बचाव की अपील करते हुए कहा कि अपने अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले, प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रबंध तथा नियम कानून में सहयोग करें। पत्रकारों ने मास्क पहनकर बाजार में बांटे मास्क। कोरोना को लेकर जिले के जनप्रतिनिधि अभी तक उदासीन दिखे। उनके द्वारा कोरोना वायरस को लेकर कोई पहल नहीं की गई, लेकिन जिले के जागरूक पत्रकार प्रशासन के साथ सहयोग के लिए आगे आए। पत्रकारों ने नगर के लोगों को मास्क मोहल्ले में जाकर वितरित किए तथा आम लोगों से घर पर रहने की अपील करते हुए कोरोना वायरस से बचाव के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को पालन करने का अनुरोध किया। मास्क वितरित करने वालों में अनेक पत्रकार शामिल रहे, जिसमें राकेश शर्मा, सादिक खान, मुकेश विश्वकर्मा, नदीम उल्ला खान, अनिल तिवारी, टाइगर खान, दीपान शर्मा, डीके साहू, डब्बू शिब्बू पांडे, शुभम रिछारिया, कैलाश रेखवार, गुड्डू पांडे, इद्रीस खान, सुशांत चौरसिया, गणेश विश्वकर्मा आदि सम्मिलित रहे। भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली महिला की मौत। शहर के मंदिर के पास भीख मांगने वाली महिला की अचानक मौत हो गई।
उक्त महिला को समाज सेवियों द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि महिला का नाम विमला है, जो पन्ना जिला मुख्यालय की रहने वाली है, लेकिन अभी तक परिजन उनका शव लेने के लिए नहीं आए। उक्त महिला नगर के प्रमुख मंदिरों के दरवाजे पर बैठकर भीख मांगा करती थी। उसकी मौत किन कारणों के चलते हुई, कारण अज्ञात है, लेकिन 3 दिन से मंदिर बंद हो जाने से भिखारियों को भीख भी नहीं मिल पा रही, जिससे भिखारी भी परेशान है। भिखारियों के लिए भोजन तथा अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं भी जिला प्रशासन को करनी चाहिए। आग लगने से बेटी के विवाह का सामान जला, मातम में बदली शादी की खुशियां। शहर के धाम मोहल्ला में रहने वाले गरीब परिवार की खुशियों पर शायद किसी की नज़र लग गई और चंद ही पलों में खुशियां मातम में बदल गई। बताया जाता है कि इस परिवार ने बेहद तंगी के बावजूद उधार लेकर पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी के शादी के लिए सामान जोड़ा था, लेकिन एकाएक आग लगने से सारा सामान खाक हो गया। जानकारी के अनुसार नगर के धाम मोहल्ला निवासी बिहारी जाटव, जो अपना परिवार फल बेचकर चलाता था, उसकी बेटी पिंकी की शादी 14 अप्रैल को मोधा उत्तर प्रदेश में होने वाली थी। उसी के विवाह के लिए बिहारी ने पाई पाई जोड़कर सामान खरीदा था। पूजा करने के लिए दीपक जलाया गया, उसी से अचानक आग लग गई। उक्त आग में बिहारी जाटव का विवाह के लिए जोड़ा गया सारा सामान जल गया। जिला प्रशासन से आगजनी में हुए नुकसान के लिए मुआवजा राशि तत्काल दिलाए जाने की मांग लोगों द्वारा की गई, ताकि गरीब की बेटी की शादी में कोई व्यवधान न हो। पुलिस की सख्ती पर सवाल, बिना सवाल लाठियां बांध रही पुलिस, जरूरत के काम के लिए निकले लोग भी हो रहे शिकार। पुलिस द्वारा आम नागरिकों से गाली गलौज के वीडियो हो रहे वायरल। कोरोना बड़ा खतरा है और इसके लिए लॉकडाउन ही विकल्प है। यही कारण है कि लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने के लिए पुलिस ने डंडे उठा लिए हैं, लेकिन पुलिस के डंडों का शिकार आवारा लोगों के अलावा वे भी हो रहे हैं जो जरूरत के कामों के लिए घरों से निकलते हैं। पुलिस बिना किसी बातचीत या पूछताछ के सीधे लोगों पर लाठी भांज रही है। शहर के कई जगह पुलिस जवानों द्वारा बेवजह ही लोगों के वाहनों को क्षति पहुंचाने के आरोप लगे हैं। वहीं अमानगंज पुलिस द्वारा लोगों के साथ गाली गलौज व मारपीट करने के मामले सामने आए, जिससे लोग पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने ही उन्हें जरूरत के सामान खरीदने के लिए घर से बाहर आने को कहा है, लेकिन पुलिस हर किसी को निशाना बना रही है। कुछ मामले में दुकानदार, यहां तक कि मीडिया कर्मी भी निशाना बने। ऐसे में पुलिस से अपील की गई है कि एक बार लोगों से बाहर आने का कारण जरूर पूछें और अपनी ड्यूटी में जा रहे लोगों या सामान लेने निकले लोगों को छोड़कर बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों पर सख्ती करें। शहर में एक दूध वाले की तस्वीरें भी खासी वायरल हैं, जिसके साथ पुलिस ने अपने पोस्टर के साथ फोटो वायरल की है। आवश्यक वस्तुओं के विक्रय पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यदि यही हालात रहे तो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। लगाओ उपकरण खरीदी करने के लिए सांसद शर्मा ने दी जिला चिकित्सालय को 10 लाख की राशि। कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में उपकरणों की पूर्ति करने के लिए जिला चिकित्सालयों के लिए क्षेत्रीय सांसद द्वारा राशि दी गई। सांसद श्री शर्मा ने पन्ना कटनी तथा छतरपुर जिला चिकित्सालय में ICU वेंटिलेटर तथा आइसोलेशन खरीदने के लिए 10-10 लाख रुपए की राशि जारी की है। श्री शर्मा ने पन्ना जिला चिकित्सालय के लिए जारी की गई 10 लाख रुपए की राशि के लिए स्थानीय लोगों ने सांसद का आभार व्यक्त किया है।